हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जैसे रोड पे आपको बहुत से नॉर्मली देखा होगा कि लोग आते ही आपको थप्पड़ मार देते हैं, स्लैप शो कर देते हैं और आपको सोचने तक का टाइम नहीं मिलता। तो मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ कि कोई भी आपको थप्पड़ मारता है तो उससे अपने आपको कैसे सेफ करना है। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कैसे लोग स्ट्रीट पर रोड पर मारते हैं आपको थप्पड़ और उसको कैसे डिफेंड करना है। आप देख सकते हैं क्या लेना है यहाँ पर, आपको राइट लेफ्ट हैंड से ब्लॉक करना है और राइट हैंड को नीचे से लेना है और उसके एल्बो को बेंड करते उसको नीचे गिरा देना है और यहाँ पे आप उसको नॉकआउट मार के ईजिली जा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको नेक्स्ट मूव बताता हूँ। जैसे कि आपने देखा होगा स्ट्रीट में रोड पे लोग अपनी ताकत दिखाते हैं, कोई अपनी पहलवानी दिखाता है कि पीछे से आके पकड़ लूँगा तो क्या करोगे। तो मैं आपको बताता हूँ पीछे से पकड़ने के बाद हम क्या कर सकते हैं। देखिए, कोई आपको ऐसे पीछे से पकड़ लेता है तो आपको ऐसे छुड़ाना नहीं है, आपको लेफ्ट हैंड अपने लेफ्ट लेग को उसके बॉडी के पीछे ले जाते हुए उसके दोनों पैरों को पकड़ के और उसको ज़मीन पर मार देना है और इसी में से आप सेफ हो सकते हैं। चलिए दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूँ नेक्स्ट मूव। जैसे ही रोड पे आपने देखा होगा सामने से आके लोग आपकी कमर को पकड़ लेते हैं, देखिए कमर को जैसे कोई पकड़ता है उससे कैसे सेफ होना है, कैसे बचना है। ये ऐसे कमर पकड़ रखी है इन्होंने हमारी, ठीक है। तो लोग नेचुरली क्या करते हैं कि अपने आपको छुड़ाने में लग जाते हैं और लड़ाई लंबी जाती है। तो लंबी लड़ाई नहीं खींचते हुए लड़ाइयों को छोटा करना है, जीतना है, जीतने वाला बनना है। तो उसके नेक के पीछे से हम अपने लेफ्ट हैंड को लेंगे और अपने राइट हैंड से उसकी नोज के पॉइंट पे अंगूठा रख के उसको प्रेस करके इजली छुड़ा सकते हैं। तेरी तो क्या